माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री व माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी एवं माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी को उप मुख्यमंत्री बनने पर और समस्त मंत्रिमंडल को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं पवन सिंह चौहान सीतापुर से भाजपा MLC पद का प्रत्याशी आप सभी मतदाताओं के आशीर्वाद का आकांक्षी। IPL मैच और विधानसभा चुनाव में सट्टा लगाने वाले 6 लोग गिरफ्तार। रोजाना 10 लाख से ज्यादा का होता था ट्रांजेक्शन। आरोपियों के बैंक खातों में जमा करीब 5 लाख सीज कराए गए। लैपटॉप, मोबाइल फोन और करीब 1.5 लाख कैश बरामद। इलाके बदल बदल कर करते थे सट्टे का कारोबार। विधानसभा चुनाव में CM और मंत्री बनने वाले लोगों के नाम पर भी किया था सट्टे का कारोबार। और ESO फेज 1 की टीम को एक सफलता हाथ लगी है, जिसमें इन लोगों ने एक IPL पे सट्टा लगाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। बेसिकली ये गैंग, अभी 6 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। इस गैंग के 6 मेंबर्स, ये सब सिकंदराबाद बुलंदशहर के रहने वाले हैं और ये नोएडा में एक ठिकाने में ये लोग IPL का सट्टा, बेसिकली ऑफिस खोल के वहाँ से IPL के सट्टा का सट्टा चलाते थे, उसका संचालन करते थे। सेक्टर 10 में ये ऑपरेट करते थे। बेसिकली इसमें प्रोसेस ये था कि ये लोग दुबई से एक लिंक मंगाते थे और लिंक मंगाने के बाद यहाँ इस गैंग में जो इमरान और अखिलेश पालीवाल हैं, इन लोग सट्टा किंग के रूप में जाने जाते हैं। इनसे कनेक्टेड लोग हैं, उनसे उनके साथ लिंक शेयर करके और लिंक शेयर करने के बाद ये सट्टा खिलाया जाता था। इसमें रन वाइज और प्लेयर वाइज सट्टा लगाया जाता था। इन लोगों के पोजीशन से हम लोगों ने इस इमरान और अखिलेश पालीवाल के अलावे 4 लोगों को और अरेस्ट किया है, जिसमें मोहसिन, प्रवेश, जावेद और ताहिर, ये 4 लोग हैं। टोटल 6 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। अब इसका जो एक और इम्पोर्टेंट संचालन करने वाला व्यक्ति है वो एट लार्ज है, उसका पता चला है, हमारी टीम उसके पीछे लगी हुई है। इनकी पोजीशन से हम लोगों ने 1,64,000 रुपये बरामद किए हैं और उसके अतिरिक्त लगभग 5 लाख रुपये 3 खातों में है, उसको हम लोगों ने सीज करा दिया है। 12 मोबाइल बरामद हुए हैं, एक लैपटॉप बरामद हुआ है, बहुत सारे रजिस्टर्स मिले हैं, जिसमें ये जो सट्टा लगता था उसे संबंधित एंट्रीज लिखी हुई हैं और कुछ पर्चे वगैरह मिले हैं, कुछ पेंस वगैरह मिले हैं। तो पूरा का पूरा ये सट्टा जो ऑपरेट कराया जा रहा था, उस पूरे गैंग को हम लोगों ने बस्ट किया है और जो इसका एक मेन आदमी है वो एट लार्ज है, उसको बहुत जल्दी हुआ। टीम पर कितना इनाम घोषित किया है? देखिए, इसके इस अच्छी कार्रवाई के लिए हमने 10,000 रुपये का इनाम हमारी टीम को दिया है। और ये जो गैंग है पिछले 2.5 साल से ऑपरेशनल था और पूरे NCR में लोग इससे जुड़े हुए थे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।